हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चलो खाने। बरसात के मौसम में सबको गरम गरम खाने का मन करता है, तो आज मैं आपके साथ एक हेल्दी टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ में गार्लिक ब्रेड जो मिनटों में तैयार हो जाएगी और आप इस बरसाती मौसम में इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो सूप बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो टमाटर, 2 से 3 गाजर, 2 बीटरूट। गाजर और बीटरूट से सूप का गाढ़ापन मिलेगा और साथ में सूप का कलर भी एकदम रेड आएगा। और इन सब के हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, तो इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और कुकर में मैं थोड़ा सा पानी और 1 टीस्पून जितना नमक डालकर इसको 4 से 5 सीटी के लिए कुक करूँगी। और उसके बाद मैं मिक्सर में क्रश करके छान कर इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमारा टमाटर सूप उबलने लगा है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। आप चाहे तो इसको ऐसा ही रहन सकते हैं, या अगर आपको पतला सूप पसंद है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप इसकी कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। मैंने आधा कप जितना गुड़ लिया है जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ में आपको मालूम है बहुत सारा आयरन होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसके टेस्ट के लिए और ज़्यादा इसमें काला नमक और साथ में फ्रेशली काली मिर्च की पीस कर इसको इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप काली मिर्च का पाउडर थोड़ा कम डालिए और उसके हिसाब से आप अपने सूप को तैयार कर सकते हैं। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँगी और गार्लिक ब्रेड की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास है आधा 125 ग्राम जितना येलो बटर, 25 से 30 कलियां लहसुन की और आधा कप जितना फाइनली चॉप फ्रेश कोरिएंडर। तो मैंने बटर को थोड़ा सा माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है और लहसुन की कलियों को मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं क्रश करेंगे। इस तरह से क्रश करने से इसमें क्रंची फ्लेवर रहेगा और हमारा गार्लिक बटर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब देखिए इस तरह से मैं इसको बटर में ऐड करूँगी और साथ में जो मैंने फ्रेश कोरिएंडर के पत्ते फाइनली चॉप करके रखे थे वो भी मैं इसमें ही ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर 1 टीस्पून और डाला है चिली फ्लेक्स। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए मिनटों में हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया है। कितना आसान है ना गार्लिक बटर बनाना। अब हम मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है, इसको ऊपर हम अच्छे से गार्लिक बटर को स्प्रेड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से गार्लिक बटर इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। मेरे पास प्रोसेस चीज़ है तो मैं प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो वो भी आप गार्लिक बटर के ऊपर आपके टेस्ट के हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने तवे पे थोड़ा सा बटर डाला है और उसके ऊपर हम डालेंगे गार्लिक ब्रेड और इसको ढक कर एकदम स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये देखिए हमारी गार्लिक ब्रेड तैयार है, बटर भी मेल्ट हो गया है और साथ में हमने जो चीज़ डाला था वो भी मेल्ट हो गया है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। उससे पहले मैं इसको ट्रायंगुलर शेप में काट दूँगी। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी शेप काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर या छोटे छोटे इसके स्लाइसेस कर सकते हैं। और ये देखिए गार्लिक ब्रेड तैयार है, उधर हमारा सूप भी एकदम तैयार है। इसको हम सर्व करेंगे हमारे सूप बाउल में एकदम गर्मा गर्म और साथ में गार्लिक ब्रेड। इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ और साथ में थोड़े से कोरिएंडर लीव्स के साथ, और गार्लिक ब्रेड भी साथ में सर्व करेंगे। तो इस रेनी सीजन में आप इस टोमेटो सूप विद गार्लिक ब्रेड बनाइए और अपने घर वालों को डिनर में सर्व करिए। मुझे मालूम है घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और इस गर्मा गर्म सूप के साथ गार्लिक ब्रेड को इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी ही हम मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।